मंदसौर गांधी चौराहा पर पुजारी संघ ने दिया धरना। दबंगों द्वारा की गई पुजारी के साथ मारपीट, किया गांव जलोदिया में हुक्का पानी बंद। मंदसौर के गांधी चौराहे पर पुजारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। संघ ने पीपलिया मंडी के गांव जलोदिया में दबंगों पर आरोप लगाए कि उन्होंने पुजारी के परिवार का गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया है, साथ ही मारपीट भी की है। पुजारी के परिवार का आरोप है कि गांव में दबंगों ने जीना मुश्किल कर दिया है, पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। वहीं पुलिस ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल सोमवार दोपहर में गांधी चौराहा पर पीड़ित जगदीश दास नारायण दास बैरागी निवासी जलोदिया थाना पीपलिया मंडी ने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किया। इनका सहयोग पुजारी संगठन ने किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि छगनलाल गायरी, नारायण सिंह राजपूत, अमृतलाल गायरी, नंदलाल गायरी ने धर्मशाला बनाने के नाम पर पीड़ित के खेत पर कब्जा कर रहे थे, मना करने पर मारपीट की। बीते 29 सितंबर को भी पीड़ित के साथ मारपीट की गई, इसकी शिकायत भी थाने में दर्ज है। परिवार का आरोप है कि दबंगों ने हुक्का पानी गांव में बंद करवा दिया है, कोई बुलाता है तो उस और 11,000 का जुर्माना लगाते हैं, इसलिए गांव में कोई उनका सहयोग भी नहीं कर रहा। मामले में SDOP मनोज रत्नाकर ने बताया कि गांव में जमीन का आपसी विवाद है। पुलिस ने मामले में 4 व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए पुजारी संगठन के पदाधिकारी एवं घायल के भाई द्वारा चर्चा की गई। यह चर्चा सोमवार को 11:10 पर की गई थी। क्या मांगे? हमारे पिपलिया मंडी के पास में जलोदिया गांव के रहने वाले पंडित जी जगदीश जी के ऊपर प्राण घातक हमले को लेकर आज यहां पर गांधी चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय पुजारी संघ और संत पुजारी समिति द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे पुजारी की विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल धरना रखा गया है। हमारे पुजारी जी के ऊपर 29 सितंबर को एक प्राण घातक हमला किया गया, उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, उनके परिवार के साथ मारपीट की गई, उन्हें डराया धमकाया गया और उनके फसल वगैरह नष्ट कर दी गई और प्राण घातक हमला ऐसा किया कि वो मरते मरते बचे और शासकीय अस्पताल में उनका उपचारित हुए और कल ही उनको अस्पताल छुट्टी देने के बाद आज धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। उनको बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया गया। ऐसे हमारे पुजारी की मांगों को लेकर जब पुजारी दर दर भटकने के बाद भी उसको कहीं न्याय नहीं मिला, तो आज पूरे परिवार समेत अखिल भारतीय पुजारी संघ और संत और पुजारी समिति द्वारा एक विशाल धरना गांधी चौराहे पर रखा गया। गाँव में अपराजिक तत्व और गुंडे तत्व द्वारा पहले तो पुजारी के साथ मारपीट की गई, उनके परिवार के साथ मारपीट की गई, उन्हें डराया धमकाया गया और गाँव में कोई उनसे बात नहीं करता है और उनको स्कूल से भी बंद करवा दिया गया। ऐसा ही गुंडे तत्व जैसे लोग आज पुजारी को डरा धमका रहे हैं, उसको लेकर आज विशाल धरना किया गया। मामला है कि हमारे गांव में समाधि और चंदन के पेड़ और आम के पेड़ ये लोग DCP से उखाड़ के ले गए और चंदन के पेड़ बेचते हैं, तस्करी करते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं। हम 10 महीने से बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, औरतें खेत पर काम करने के लिए नहीं जाते, किसी का ट्रैक्टर हमारे खेत में नहीं आने देते, मजदूर नहीं आने देते, हर प्रकार से हमें परेशान कर रहे हैं। अभी भी हमारी फसल बिगड़ रही और ये हुक्का पानी बंद कर दिया इन लोगों ने और गांव में माचिस भी नहीं लेने थे दुकान से। द्वारा किया जा रहा है, ये 8-10 गुंडे हैं, मतलब ये पूरे गांव को परेशान करते हैं और गांव वाले उनकी तरफ नहीं बोले तो गांव वालों के ऊपर भी ऐसा ही करते हैं। क्या आपके ऊपर कभी कोई लोग आप लोग माचिस वगैरह किसी का ले जाते हो, आपका कोई काम करने आता तो क्या होता? वो 11,000 रुपये दंड के लिए हमारे मतलब हमारे खेत ढांकने के लिए छगनलाल पिता छगनलाल उसका ट्रैक्टर हमारे हाँकने के लिए आए तो उससे 11,000 रुपये इन लोगों ने दंड लिया कि तू इनके खेत पे क्यों गया हाँकने के लिए, और उसको भी हुक्का पानी बंद कर दिया, उसको भी मतलब गांव से बाहर निकाल दिया और हमको भी कहते हैं 51,000 रुपये दो तो हम तुम्हें गांव में रखें, नहीं तो रहने देंगे, यहाँ से भगाएंगे। पुलिस के पास तो हम 10 महीने से घूम रहे हैं, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं। और हाँ जी, विनोद दास बैरागी।